चलिए आज एक और अपनी नई स्टूडेंट से मिलते हैं, नीति मिश्रा, जिनकी ऑल इंडिया 68 रैंक है और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है और साथ ही जामिया में ऑल इंडिया 11th रैंक है। तो नीति, सबसे पहले इन दोनों रैंक के लिए और एनआईटी त्रिची के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सर सब कुछ आपके वजह से ही हुआ है, अगर आप प्रतीक सर नहीं होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जी, और मैं बताना चाहूंगा नीति ने फाइनल ईयर के साथ ही ये करा हुआ। नीति लखनऊ से बिलोंग करती हैं और सबसे अच्छी बात यह कि नीति ने घर रह के पढ़ाई की और नीति अभी भोपाल अवार्ड भी लेके गई। तो नीति, क्योंकि आपके अभी दोनों जगह रैंक भी आई है, पहले तो मैं चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चा जो होता है ना इम्पिटस गुरुकुल के ये जो सेशंस है इसका एक पर्पज होता है, हर बच्चे का लाइफ का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग तरीके से वो सोचता है। तो जैसे आपने कब निमसेट के लिए सोचा, फिर किस तरह से आपने घर पर रह के ऑनलाइन प्रिपरेशन की, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई या क्या क्या आपको बेनिफिट हुए घर के, मैं चाहूंगा ये आप सक्सेस जर्नी अपनी जरूर बताएं, क्योंकि जब बच्चे इसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं। सर सबसे पहले तो 12th के बाद मेरा कुछ भी ऐसे कंफर्म नहीं था कि क्या करना है, और सर मैंने आईआईटी का एग्जाम भी नहीं दिया, तो फिर यही कंफ्यूजन चल रही थी कि अभी क्या करना चाहिए क्या। तो सर बीटेक कुछ रीजन के वजह से ये था कि बीटेक नहीं कर सकते, तो फिर एक बीसीए का अच्छा ऑप्शन देखा उसके लिए कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई होगी। तो फिर मैंने लखनऊ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इधर बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी सर, उसमें मैंने बीसीए के लिए एडमिशन ले लिया। फिर एडमिशन के बाद ये समझ में आया कि इससे इतना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बीसीए के बाद उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। एंड सर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि आगे मतलब बीटेक की प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने ड्रॉप लिया, तो उससे थोड़ी कंफ्यूजन और बढ़ गई कि मतलब अगर ऐसा भी कर सकते तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन था कि ड्रॉप लेके करें ताकि आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। फिर वो था कि अब तो आ ही गए हैं तो अब तो करना ही है। फिर उसके बाद आगे का वो देखना शुरू किया कि आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उसके बाद सर एमबीए एक अच्छा ऑप्शन दिखा, तो मेरी कंफ्यूजन कुछ और बढ़ गई कि एमसीए करना चाहिए कि एमबीए। फिर उसके बारे में भी काफी चीजें यूट्यूब पे देखी, फिर एमसीए का जब सर्च आउट किया तो उसमें भी काफी चीजें देखी। फिर सर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एमसीए में, उसने बताया कि एक निमसेट एग्जाम भी होता है जिससे एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, तो अगर एमसीए कर लेंगे तो उसमें सेम वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो एक बीटेक ग्रेजुएट को मिलती हैं, क्योंकि कंपनीज ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं एमसीए एंड बीटेक की। फिर सर वही सेकेंड ईयर के एंड में अप्रोक्स पेन ड्राइव कोर्स लिया आपसे, तो सर उसमें सारे मतलब ये था कि मैथ्स मेरा पहले से ही अच्छा था, 12th में भी मेरे अच्छे स्कोर आए थे मैथ्स में, तो मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंस था। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री होता तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट ये लगा पूरा पेपर पैटर्न देख के कि कंप्यूटर भी है रीजनिंग है तो हो सकता है ये। फिर पेन ड्राइव कोर्स करने के बाद थोड़ा और बूस्टअप हुआ कि ये चीजें भी हो सकती है ऐसे प्रैक्टिस अगर की जाए तो। उसके बाद सर जब 5th सेम था तो फिर प्लेसमेंट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गई, तो सर मेरे रीजनिंग के वजह से, सर इसके लिए स्पेशल थैंक्स प्रतीक सर को, क्योंकि उनके ही रीजनिंग और कंप्यूटर के वजह से मेरी दो जगह प्लेसमेंट भी हुई थी, इन्फोसिस में एंड हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, तो सर उससे और थोड़ा वो हुआ कि रीजनिंग भी अब हो सकती है। फिर सर यही रहा कि टेस्ट सीरीज देते गए और उसका एनालिसिस जैसा भी है वो होता गया, और जैसे आप बोलते थे कि एनालिसिस करो उस पर फोकस करो तो वो सारी चीजें होती गई। उसके बाद सर ये टेस्ट का भी एक वो है कि मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। और सर कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है, इसको क्लियर करना है कि जैसे मॉक टेस्ट देना है और कोचिंग के इतने सारे लोग हैं, अगर रैंक अच्छी नहीं आ रही है तो पहले से ही डिमोटिवेशन हो जाता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पर्सनली मेरी भी कभी भी टॉप 40 में नहीं होती थी रैंक, कोचिंग के जो भी टेस्ट होते थे हमेशा मेरा 40 प्लस होता था, कभी सर बस दो बार ऐसा हुआ है कि मेरा टॉप 40 में हुआ है, और फिर जब मेरा वो नेम आया था जो आप डिस्प्ले करते थे तो उस समय अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन ये था कि इतने लोग थे तो आता ही नहीं था कभी वैसे। फिर लास्ट में जाके थोड़ी थोड़ी रैंक इंप्रूव हुई, पहले तो ऐसा भी हुआ था कि 100 प्लस भी रैंक चली जाती थी। फिर जो लास्ट टेस्ट हुआ था आई गेस 5th को, उस दिन मेरी 3rd रैंक आई थी, और वो भी मतलब अचानक ऐसा हुआ कि कहां 40 में भी नहीं आ रही है और कहां 3rd रैंक आ गई। तो और फिर काफी देर तक, पहले ही होता था कि शुरू में 40 रैंक आ रही है, फिर कुछ टाइम हुआ और बच्चे देते गए,
तो वो रैंक तो पक्का है कि 100 या 150 प्लस जाती थी। और इसमें था कि मेरा थर्ड रैंक था और वो थर्ड ही रहा एक दो दिन तक, तो फिर वो लगा कि अब प्रिपरेशन कुछ सही लेवल पे है। और सर लॉकडाउन का तो है ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर टेस्ट मई में होता तो शायद उतना अच्छा ना हो पाता, क्योंकि मेन जो भी था वो मई के बाद ही प्रिपरेशन हुई है। क्योंकि सर लास्ट सेम में मेरा वो भी हो रहा था, ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग चल रहा था, तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती थी, क्योंकि वो सुबह से लेके दोपहर पूरा टाइम, मतलब 4 to 5 hours तो उसमें ही चले जाते थे लास्ट सेम में। तो ये था कि लगता भी था कि बहुत टाइम इधर उधर हो रहा है, प्रिपरेशन सारे बच्चे तो सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं और मेरा ऐसे 4 to 5, लेकिन वो जाना भी था क्योंकि कॉलेज का वो था, कंपल्शन था। उसके बाद सर जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ है मई एंड में, उसके बाद से एक्चुअल प्रिपरेशन तो तभी से लगातार मॉक टेस्ट देने से, एनालिसिस देने से ही हुई है। नीति, आपने कुछ चीजें बहुत अच्छी बताई। एक तो ये कि टेस्ट पेपर में रैंक नहीं आने के बाद भी आप ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हुए, ये बिल्कुल सच है कि कई बच्चे सही में बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर मैं हमेशा बोलता हूँ टेस्ट देना है, तो रैंक क्या आती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस कैसे किया। अच्छा, दूसरी एक बात और बताइए आपने कि आपका फाइनल ईयर के साथ 2 कंपनियों में प्लेसमेंट भी हुआ। बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं और प्लेसमेंट होता भी है और कंपनी ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो इसको लेके कभी आपके मन में कोई कंफ्यूजन आया कि हैग्राबियर और इन्फोसिस जैसी कंपनी में जॉब लगा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा प्लेसमेंट हो गया है और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, या घर वाले, तो मेरा हमेशा मानना है कि नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ना करके पीजी कोर्स के बाद जाएं तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी मिलती। तो आपके अंदर जब ये दो दो प्लेसमेंट हुए तो क्या थॉट आया, क्या सोचा आपने? सर पहले तो सबसे पहले जैसे प्लेसमेंट का वो आया रिजल्ट, तो घर पे पता चला तो उन लोग तो बहुत खुश हो गए कि चलो अब प्लेसमेंट हो गई है, अब तो जाना ही है। उन लोग को ये लग रहा था कि अब तो जाना ही है, लेकिन फिर जब उसके मतलब सारे कुछ चीजें देखी गई, सारे कुछ एनालाइज किया उसका, तो यही लगा कि पीजी के बाद ही करना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। एक बीसीए ग्रेजुएट को वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो एक एमसीए ग्रेजुएट को मिलेगी। और फिर सर अगर एडमिशन एनआईटीज में हो तो फिर उसके बाद तो कुछ पूछना ही नहीं है, वहां इतने सारे शुरुआत में ही इतना प्लेसमेंट के टाइम ही इतना अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, तो एक ट्राई तो अपने आपको देना ही चाहिए। अगर इधर प्लेसमेंट हो सकती है तो फिर उधर भी कुछ तो चांसेस हैं ही कि वहां अच्छी प्लेसमेंट मिले। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चों को क्लियरिटी रहती है यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यही मैं चाहता था, देख सुनना चाहता था आपसे कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर आज आपकी जॉब लग सकती है तो आप एनआईटी में जाके कितनी अच्छी जॉब ले सकते हो ये आप भी समझ सकते हो। अच्छा, एक और बात है मैं आपको बताऊं, ये जो पर प्लेसमेंट हुआ आपका और ये जामिया की रैंक है, ये आपके एड ऑन है, ये इनके आप जो आपको ऑफर लेटर है ना ये संभाल के रखिए, आपके रिज्यूम में बेनिफिट देंगे। जब आपका प्लेसमेंट होगा ना तो बहुत हाई चांसेस है कि जो हाईएस्ट टॉप 10 प्लेसमेंट होंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आज इंटरव्यू है जबकि ये यूट्यूब पे भी जाएगा, आप देखिएगा कि जब टॉप 10 इंटरव्यू होंगे तो उनमें से एक आप भी होंगे, यानी जो टॉप 10 ऑफर होंगे उनमें, क्योंकि ये सब चीजें बहुत बेनिफिट देती हैं। ये एक कमिटमेंट बताती है कि बच्चा बहुत डिसिप्लिन है और वो अपने करियर को लेके काफी सीरियस है, मतलब आपने ये कंप्रोमाइज नहीं किया। नहीं तो कोई भी ये बच्चा जब, या कोई भी स्टूडेंट बहुत दम लगती है या बहुत सोच लगती है कि नहीं मुझे इन्फोसिस इसमें मिला है मैं ज्वाइन कर लूं, पर आपने वो ज्वाइन नहीं करके बहुत अच्छा किया और ये डिसीजन आपको कहीं ना कहीं आगे जाके कॉन्फिडेंस बूस्टअप और टॉप प्लेसमेंट भी देने वाला है। यस सर। और सर एक और बात, वो एग्जाम टाइम में सर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, सर जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, उससे ये लगा कि जो एग्जाम के पहले का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सर प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा कम है या ज्यादा है, लेकिन मेन यही होता है कि जो उसके पहले के जो मिले 1-1.5 hours उसमें सर बहुत पीसफुल माइंड होना चाहिए। अगर जरा भी उसमें ये हुआ कि क्या होगा आगे, कैसे होगा सब कुछ, नहीं हुआ तो अगर नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो फिर सर वो पक्का पेपर खराब होना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे मेरे जान पहचान के जिनका ऐसे ही हुआ कि वो लोग टॉप रैंक ला सकते थे, इजिली उनको 3 मिल जाता, लेकिन बस ये था कि इतने थॉट्स उन लोग के दिमाग में चलने लगे कि उन लोग का पेपर एकदम ही खराब हो गया। तो सर पीसफुल माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर ऐसा एग्जाम देना है जिसमें स्पीड ही मैटर करती है, क्योंकि आईआईटी जैसा तो है नहीं कि मतलब टाइम ज्यादा है क्वेश्चन कम, तो इसलिए सर बहुत रिलैक्स होके करना चाहिए और कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आगे कैसे क्या होने वाला है, वो सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सर प्रतीक सर की एक बात उस टाइम बस यही दिमाग में चल रही थी कि कुछ भी ये सब नहीं सोचना है, आगे क्या होना है कैसे होना है वो कुछ नहीं,
सब भूल के बस ऐसे देना है पेपर कि ये लास्ट एक टेस्ट सीरीज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये। बहुत अच्छी बात बोली नीति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बच्चों की इस बार रैंक इसलिए थोड़ी पीछे हुई क्योंकि पेपर में अननेसेसरी प्रेशर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सोचना ही नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, हमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए और अगर हम वो थॉट के साथ पेपर देते हैं तो हमेशा अच्छा जाता है। अच्छा नीति, आपने ऑनलाइन घर पर रह के प्रिपरेशन की थी, तो आपका ऑनलाइन का अपना एक्सपीरियंस क्या रहा? सर ऑनलाइन का तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, आप घर पर रहते हैं, आपको बहुत सारे हॉस्टल के स्ट्रगल, खाने के स्ट्रगल, वो सबसे बच जाते हैं, तो ऑनलाइन का आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ऑनलाइन पहले तो थोड़ा वो लग रहा था कि ऑनलाइन, पहले तो कोर्स ही लेने में थोड़ा डर लग रहा था और पेरेंट्स को खुद ये कंफ्यूजन थी। मेरे पापा ने तो ऐसे ही पूछा था कि मतलब हो पाएगा ना ऐसे फोन लैपटॉप में, कितना देर पढ़ पाओगी। लेकिन फिर जब खुद से लेके देखा, और सर आपके साथ तो यही होता है कि मतलब अगर कोर्स आपका है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, क्योंकि वही फील आता है जैसे वहां ऑफलाइन सर आके विजिट किया था, वो भी सेम वही एक्सपीरियंस लगा जैसा लैपटॉप के सामने लगता था। तो सर उसमें कोई बहुत वो दिक्कत नहीं हुई और बाकी पेरेंट्स तो सपोर्टिव है ही, तो घर पे रह के कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई किसी चीज को लेके। अपना वही था कि एक रूम में बैठो, पढ़ाई करो और टाइम टू टाइम जो भी है करो, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई सर ऑनलाइन में। वो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ही मिल गई कि कितना टाइम सेव हो रहा है, आने जाने का कुछ नहीं, रिलैक्स होके बैठो, खाओ पियो और अपना बढ़ो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा नीति, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो इस साल फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में होते हैं, उनको कई बार मन में लगता है कि फाइनल ईयर के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा या हमको कब से करना चाहिए, तो आपका फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए स्पेशली क्या मैसेज होगा? सर मिनिमम 1 ईयर तो सफिशियंट है कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर थर्ड ईयर के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई ऐसी बहुत वो नहीं है कि बहुत प्रेशर लेना है और बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरा खुद लास्ट सेम तो मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही था, उसमें तो ये था कि अब पढ़ाई का तो ये है कि प्रिपरेशन हो ही जाती, मतलब एग्जाम वगैरह तो कोई अटेम्प्ट कर ही लेगा इतना कि पासिंग मार्क्स आ जाए, लेकिन ट्रेनिंग में तो और टाइम देना होता है, तो जैसे वहां टाइम निकल गया वैसे किसी का भी आराम से प्रिपरेशन हो सकता है। तो सर 1 ईयर तो सफिशियंट है, बाकी अगर उसके पहले सेकेंड ईयर में भी अगर कोई ले लेता है, अगर किसी का बेस उतना स्ट्रांग नहीं है तो वो सेकेंड ईयर से ही ले ले, ताकि पहले बेस ठीक हो जाए और फिर लास्ट मतलब लास्ट ईयर में वो अपना पूरा टेस्ट सीरीज पे ही ध्यान दे सके। और सर यही एक सर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही मैसेज है कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो भी होता है वो बस वही उसी 2 आवर्स का ही वो है गेम, कि जो भी होगा उसी में होगा, अगर उस टाइम कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर पूरी प्रिपरेशन बेकार ही हो जाती है। बिल्कुल सही बात है नीति, कि वो जो 2 घंटे होते हैं ना वो बड़े कीमती होते हैं, उसका एक एक सेकंड इतना अनमोल होता है कि कहीं इधर उधर 1 मिनट भी आपने कहीं वेस्ट किया तो फिर कई बार हम संभल नहीं पाते। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने बच्चों को और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू और बात करके। चलो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही आगे बढ़ो और त्रिची में भी ऐसे ही खूब आगे बढ़ो, और जब प्लेसमेंट हो तो फिर हम ऐसे ही बच्चों को आप बताओ कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।